हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में पूर्ण है, मैं आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 1 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 का ए, यहाँ ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे में एक्सप्लेनेशन बी सी डी ई तक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, ये जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू 6 का बताना था। 1 6 यहाँ है ना, तो 1 10 100 1000 10000, तो 6 का क्या आ रहा है दोस्तों, 10000। तो 6 × 10000 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 60000। लेकिन हम लोग को प्लेस वैल्यू बताना था, इसलिए हो जाएगा 60000। तो 60000 यहाँ 1000 है, या 10000 है, या 60000 है, या 600000। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर 60000। एक्चुअल में होगा कैसे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ 2 6 5 4 3 1 इसका निकालना है ना, तो 6 है, 6 के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ लगाएंगे तो देखो 1 10 100 1000 10000, 60000 हो रहा है, ये 60000 आंसर मारे। अगला सारा का एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। बी नंबर में द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 और 4 इन द नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है 2 और 4 का डिफरेंस निकालना। तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 10 100 1000 10000 लाख, तो 2 लाख, 2 लाख हो गया। और 4 का 1 10 100 1000, तो हो जाएगा 4000। दोनों का डिफरेंस मतलब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0 0, इसे कैरी लेंगे तो यह बनेगा 10, यहाँ बन जाएगा 9, यह बनेगा 1। 10 में तो 4 सब्ट्रैक्ट 6, 9 का 9 1, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 1,96,000 ऑप्शन में है, 1,96,000 है ऑप्शन में। तो यहाँ तो यही होगा हम लोग का ऑप्शन, तो इसका हो गया फोर है, तो हो जाएगा 4, ये 4 लिखे हैं दोस्तों, इसका 4 हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद द प्रीडिसेसर ऑफ, इसका प्रीडिसेसर बताना। सक्सेसर मतलब 1 प्लस करते हैं, प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करते हैं। तो 3 5 7 4 8 6 0 0, प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ तो माइनस होगा नहीं, इससे कैरी लेंगे तो ये तो खुद भिखारी है, इससे लेंगे तो ये 5, ये बनेगा 10, इसको देगा तो ये बन जाएगा 9, ये बना 10, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ भी 9, 5 8 4 7 5 3, इधर सेम रह जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन वाला मिलता, पहला तो 9 9 5, यहाँ 7 नहीं 8 है इसलिए ये नहीं है। अगला देखते हैं 9 9 5 8 4 7, हाँ ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 3। अगला द डिजिट 8 द 10 मिलियन प्लेस इन द नंबर, 10 मिलियन प्लेस में क्या है, कौन सा नंबर है 10 मिलियन प्लेस, तो 1 10 100 1000 10000 100000 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन में यही है ना, 10 मिलियन प्लेस, तो 10 मिलियन प्लेस में हमको 3 दिख रहा है, तो 3 है ऑप्शन में भी, तो इसका हो जाएगा डी का सेकेंड। अगला 10 मिलियन कितना करोड़ होगा, ये देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग 10 मिलियन लिख लेते हैं, 10 और मिलियन के लिए 3 3 0 लगाएंगे, 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड़। पहले तो हम लोग 10 मिलियन बना, 1 10 100 1000 10000 100000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन बना हुआ है। अब हम लोग इसको नेशनल में चेंज करना, करोड़ छाटना है, तो 1 10 100 1000 10000 लाख करोड़ है ना, इसका मतलब करोड़ यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, 6 × इसको करोड़ लिख सकते थे हम ऐसा, है ना, 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ 6 × हम लोग इतना लिख सकते थे, तो इसका मतलब है ना 60 मिलियन कितना करोड़ होगा, 6 करोड़ होगा, 6 करोड़ ऑप्शन फर्स्ट में है ना, तो हो गया, ये समझ में आया। यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर आएगा 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ, तो यहाँ एक भी एक था, है ना, इस तरह से। अगर कोई भी मेरे वीडियो को कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये लड़का मेरे बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है, तो मुझे आप इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ है, वहाँ से मुझे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट बता रहा हूँ, ड्रॉ एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द पीरियड एंड प्लेस ऑफ एनी 9 डिजिट तक बताना है, है ना, तो हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बताना है, तो चलिए बना के दिखा रहा हूँ मैं।
आप स्केल से बनाइएगा दोस्तों, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। मैं ऐसे बनाता हूँ नहीं तो बहुत लेट लगेगा। 100 होगा इंडियन वाला में, उसके बाद 1000 होगा, TH OUS AND, 1000 होगा, पहले पीरियड लिख रहे हैं अभी, उसके बाद लैक होगा, लैक्स होगा, थाउजेंड्स होगा, उसके बाद लैक के बाद करोड़, 9 डिजिट तक जाना है, CROREES करोड़, है ना। ये अब जो हम बता रहे थे ये पीरियड था, है ना, PERIOD, ध्यान रखना ये पीरियड है, ये पीरियड था, है ना। अब जो बताएंगे यहाँ नीचे जो बता रहे हैं ये प्लेस बता रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ क्या बताना, चार्ट बनाना है और सेइंग पीरियड बताना और प्लेस भी बताना। तो देखिए वंस में तीन, वंस में जो है ना तीन प्लेस होता है, एक होता है ONES वंस, एक होता है TENS टेंस, एक होता है 100। दोस्तों यहाँ नहीं हट रहा है इसलिए मैं HUNDRED लिख देना आप। उसके बाद इसमें होता है दो, TH मतलब 1000 और TTH मतलब 10,000। इसमें भी होता है दो, लैक और 10 लैक। इसमें भी होता है दो, करोड़ और 10 करोड़, है ना। ये जो हम बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना। तो ये नीचे में प्लेस बताए और ऊपर वाला में पीरियड बताए, है ना। इसीलिए तो पहला वाला में जो कोमा लगाते हैं नेशनल वाला में, तीन अंक के बाद, उसके बाद दो अंक के बाद, उसके बाद दो, उसके बाद दो। लेकिन इंटरनेशनल में सारा में तीन तीन में लगाएंगे, अगला वाला इंटरनेशनल वाला ही क्वेश्चन है। तो समझ में आया, ये पहला नंबर का ये हो गया ना, कितना नंबर, 2 नंबर का आंसर। अब आगे बता रहा हूँ, एक साथ ही बता रहे हैं, दोनों समझ में और आएगा। ड्रॉ द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द पीरियड एंड प्लेस ऑफ 9 डिजिट, ये भी बनाना इंटरनेशनल। तो 3 नंबर बता रहा हूँ, यहाँ फिर वैसे लिखेंगे क्या, वंस, ये 3 नंबर का बता रहा हूँ। वंस के बाद दोस्तों इसमें है, देखिए वंस के बाद 1000, तो इसमें भी होता है TH OUS AND, 1000 के बाद डायरेक्ट होता है क्या, मिलियन, उसके बाद होता है बिलियन, तो MILLION। लेकिन मिलियन में 3 डिजिट तक, 9 डिजिट तक आ जाएगा, तो हमको बिलियन लिखने का ज़रूरत नहीं। ये लिख दिए हम लोग, ये क्या लिखे थे अभी, पीरियड लिखे थे। तो पीरियड में फिर ये जो मैं बता देता हूँ, वंस में इसमें तीन तो होता है, एक होता वंस, उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है 100। इसमें भी तीन होता है, 1000 10000 100000। इसमें भी तीन होता है, मिलियन 10 मिलियन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, 100 मिलियन, मतलब सारा होता है इसमें। इसीलिए तो इसमें तीन अंक के बाद कोमा लगाते हैं, तीन अंक के बाद कोमा लगाते हैं और तीन अंक के बाद कोमा लगाते हैं। ये हो गया 3rd नंबर, है ना। आपको लिखना बढ़िया से लिखना है, यहाँ पूरा लिखना है, वंस टेंस 100 पूरा। आगे बता रहा हूँ, अगला है 4 नंबर में, लुक केयरफुली एट कोमा बिटवीन पीरियड एंड देन राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ कोमा को चेक करना है, देखिए पहला तीन अंक मत लगाया है, उसके बाद दो, उसके बाद ये नेशनल वाला है, इसमें तीन 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 है तो इसमें इंटरनेशनल वाला है, इसमें भी तीन तीन है तो दो है, यहाँ तो दो तो नंबर रहता तो तीन ही होता, क्योंकि तीन तीन है तो इंटरनेशनल वाला है। उसके बाद यहाँ भी देखिए दो, इसमें दो दो, इसमें तीन है तो ये नेशनल वाला है, ये दोनों इंटरनेशनल वाला, ये भी इंटरनेशनल, ये भी तीन तीन है तो ये इंटरनेशनल। मतलब इधर से आपको चेक करना है कि पहला तो तीन होता है, ये दोनों दोनों में तीन होता है, उसके बाद अगर तीन है तो इंटरनेशनल, अगर उसके बाद दो अंक के बाद कोमा है तो नेशनल। तो इसमें नाम लिखना है ना, नाम लिखना है। तो मैं चलो एक तो नेशनल वाला, एक तो इंटरनेशनल वाला, पहले नेशनल वाला ये बता रहा हूँ, 3568043, 35 लैक, THIRTY, 35 लैक, उसके बाद है 68, उसके बाद 43 हो जाएगा, है ना। बी नंबर में क्या है, तो 2956358194। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 10 100 1000 10000 100000 मिलियन होता है, तो 29 मिलियन
29 मिलियन 568 568 थाउजेंड 194 है ना, इस तरह से हो गया दोस्तों। ये सारा ऐसा ही लिखा जाएगा, मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी, लेकिन अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं सारा बता देता हूँ, ये हो जाएगा इंटरनेशनल वाला है तो 104,601,843, इसमें 28,16,493, 3,084,109,1348 इस तरह से लिखा जाएगा। अब आते हैं ये बनाना, ये सारा मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। 5 नंबर का ए नंबर, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा? तो देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझाना है मुझे, इसलिए तो मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूँ 1 मिलियन कितना लाख। तो पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं, 3,01,10,100,10,000,100,000 मिलियन, मिलियन बन गया। अब लाख छांटना है तो 1,10,100,000,10,000 कितना होगा, है ना, 1,10,100,10,000,00,000। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1,10,100,10,000,00,000, तो यहाँ 1 ऐसा लिख लेते हैं और इनटू बचा 10, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1,10,100,10,000,00,000। लैक बचा कि नहीं बचा, हम लोग को यही लैक चाहिए ना, लेकिन यहाँ जीरो कितना, 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5 इसमें है और एक इसमें है तो 6 होगा, इसका मतलब 10 लाख हो जाएगा, है ना। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, यहाँ 10 भरा जाएगा पहला नंबर में। मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आखिर कैसे बनाएंगे आपको, नहीं तो फिर यहाँ 1 लाख इक्वल टू डैश 1000, तो 1 लाख पहले लिख लेते हैं, 1,10,100,10,000,00,000 हुआ। हमको 1000 चेक करना है तो 1,10,100,000, तो इसका मतलब इधर 1000 को पहले अलग रख लेते हैं और बचेगा कितना, 100, देख लीजिए यहाँ 1000 इधर है, 1,10,100,000 इसमें, तो 3 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, यहाँ भी 2 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, तो इसका मतलब 100 बच रहा, तो 100 क्या होगा, 1000, इसे 1 लाख इक्वल टू 100,000 भरा जाएगा, है ना। आगे उसके बाद है सी नंबर, 1 करोड़, तो 1 करोड़ पहले लिख लेते हैं, 1,10,100,10,000,00,000, 10 लाख करोड़। मिलियन बताना है तो 1,10,100,10,000,100,000, तो इतना पहले अलग कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मिलियन, या मिलियन बना दिए और बचा कितना, ये देखिए 10 बचा, नहीं यहाँ देखिए 1,10,100,10,000,100,000 मिलियन इतना बचा, 1,2,3,4,5,6, यहाँ एक है 7, 1,2,3,4,5,6,7, देखिए शायद इसका मतलब 10 बनाएगा, इसके बाद 1,10,000,000 हो जाएगा, इसमें 10 आंसर होगा। उसके बाद डी नंबर, अगर आपको नहीं समझना है इतना तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, इसका 10 बताया, पहला नंबर का 10, दूसरा नंबर का 100, तीसरा नंबर का 10, तो उसमें रटना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ फिर देखिए 100 कर दिया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत होने लगेगा, 100 मिलियन, तो मिलियन इधर पहले बना लेता हूँ, 1,10,100,10,000,100,000 मिलियन, तो 100 मिलियन बोला है, कितना करोड़ होगा, इसमें टोटल पहले कितना हो जाएगा, 0, तो 1,2,3,4,5,6,7,8,0 हो जाएगा, तो पहले हम लोग टोटल एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, 8,0 बना दिए। अब करोड़ छाटना है ना, तो 1,10,100,10,000,00,000,10 लाख करोड़, मतलब यहाँ से इधर सारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 0,0,0,0,0,0,0,0, अब यहाँ से हुआ है ना, तो ये तो बचा हुआ है, इंटू 10, यहाँ देख लीजिए 1,10,100,10,000,00,000,10 लाख करोड़ बन गया, और 10 करेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए जीरो कितना, जीरो आपको प्रॉब्लम होगा तो जीरो गिन लीजिए, 1,2,3,4,5,6,7, और यहाँ 1,8 है, यहाँ भी 8 था, इसका मतलब इसमें भी आंसर 10 आया। आगे बता रहा हूँ,
कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट, मतलब इसमें कंप्लीट करना है। लुक केयरफुली एंड कॉमा बिटवीन द पीरियड, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट वन भी, पहला दिया हुआ दोस्तों, ये नंबर दिया हुआ है पीरियड प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पहले हम लोग कॉमा देखना है, जैसे इंटरनेशनल नहीं नेशनल वाला है, क्योंकि तीन अंक उसके बाद दो अंक, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 है ना, तो इसका पीरियड जो है 1000 है और प्लेस जो है 10,000 है, पीरियड 1000 प्लेस 10,000 और प्लेस वैल्यू क्या होगा 8 × 10,000, 80,000 है ना, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू प्लेस से मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो पहला तो बना हुआ है, इधर बना के दिखा, तो कितना नंबर है बी नंबर में, यहाँ मैं पीरियड लिख देता हूँ, यहाँ प्लेस और यहाँ प्लेस वैल्यू, यहाँ कोमा देख के आपको पता करना है कि आखिर ये नेशनल है कि इंटरनेशनल। यहाँ देखिए तीन अंक दो अंक फिर दो अंक, तो इसका मतलब ये नेशनल है। यहाँ से यहाँ 100 होता है 1000, यहाँ लैख, तो ये लैख हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ, तो लैख हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैख, 10 लैख हो जाएगा प्लेस में, है ना, 10 लैख लैक्स लिख सकते हैं, तो 6 × 10 लैख इसलिए 60 लैख हो जाएगा, है ना, 60 लैख, 6, 10 लाख भी लिख सकते थे, लेकिन यह 60 लैख है ना, खोलेंगे तो। अगला सी नंबर 1, 10, 100, इसमें भी दो, इसमें तीन अंक के बाद कॉमा है, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका मतलब ये नेशनल वाला नहीं इंटरनेशनल वाला है, तो यहाँ से यहाँ 1 होता है और इसको कहते हैं 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ 100,000 लिखा जाएगा, बहुत लंबा हो गया, 100,000 और 8 × 100,000, तो यहाँ हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ देखिए बहुत ईजी है, क्या करते हैं जो नंबर है ना वो नंबर लिख दें, उसके बाद जितना संख्या है उतना जीरो भर देते हैं, और कोमा भी यहीं देख के लगाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है, तीन अंक के बाद कोमा लगेगा। डी नंबर, उसके बाद यहाँ पे तीन अंक के बाद कोमा लगे हैं, तो ये भी इंटरनेशनल है, तो 1 यहाँ पे, 1000 यहाँ, यहाँ होगा मिलियन, तो मिलियन में, और यहाँ हो जाएगा कितना मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ फिर 10 मिलियन हो जाएगा, है ना, 10 मिलियंस, और यहाँ हो जाएगा 9 × 10 मिलियन, तो 90 मिलियन, है ना, 100,000, 1000, 10,000, 100,000, 1000,000, 10,000,000, 90 मिलियन हो गया। अगला बता रहा हूँ, थोड़ा सा मोर लेते हैं, डी, उसके बाद ई, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ फिर तीन अंक दो अंक, तो इसका मतलब ये नेशनल वाला, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1000,000, 10,000,000 करोड़ में, सी आर ओ आर ई, यहाँ भी हो जाएगा सी आर ओ आर ई करोड़, क्योंकि दोनों वही हैं करोड़, और 7 × करोड़ करेंगे तो 7 करोड़ हो जाएगा। अगला लास्ट है ये, तीन अंक दो अंक, ये भी इस तरह से है, एफ नंबर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1000,000, 10,000,000, करोड़ 10 करोड़ में है, तो इधर लिखा जाएगा, यहाँ लेकिन करोड़ लिखा जाएगा, क्योंकि प्लेस तो पीरियड तो करोड़ ही है, लेकिन प्लेस 10 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड में है अभी 10 CROR 10 करोड़, और दोस्तों 2 × 10 करोड़ करेंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा, है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, 1000,000, 10,000,000, 20 करोड़, समझ आया, इतना अभी और भी है। उसके बाद 7 नंबर में क्या बोला, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, इसको यूज करके राइट आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ द न्यूमरल फॉर्मेट बोथ एन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, दोस्तों इसका पहले स्मॉलेस्ट बनाना है 8 डिजिट नंबर, SMALLEST, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर पहले बनेगा क्या, जब भी अगर स्मॉलेस्ट बनाना है ना दोस्तों, छोटा से बड़ा सजाते हैं, और लार्जेस्ट बनाना है तो बड़ा से छोटा, तो अगर जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा तो जीरो है,
तो जीरो का आगे में महत्व होगा ही नहीं, इसीलिए जीरो से नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा कौन है तो वन, तो वन से शुरू करते हैं, वन जीरो, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद टू के बड़ा कौन है, टू से बड़ा है फोर, उससे बड़ा कौन है तो फोर से बड़ा इसमें फाइव, फाइव से बड़ा सिक्स, सेवन, सेवन से बड़ा एट, एट से बड़ा नाइन, कितना डिजिट का बना था एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बन गया, नंबर बन गया। अब इस नंबर को पहले हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं, टू फोर सेवन एट नाइन, फिर से यहाँ लिख लेते हैं दो बार, क्योंकि एक नेशनल एक इंटरनेशनल बना के उसका नाम लिखना है ना। तो पहले कौन सा बोला है, नंबर फॉर्मेट बोथ इंटरनेशनल, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम बनाना है तो इंडियन मतलब वन टू थ्री, यहाँ कोमा लगेगा, वन टू यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ लगेगा, इंटरनेशनल में वन टू थ्री यहाँ लगेगा, वन टू थ्री यहाँ लगेगा। तो इंडियन सिस्टम में पहले लिख लेता हूँ, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, तो वन करोड़, वन करोड़ टू लाख, टू लैख, वन करोड़ टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन, फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन, एस ई वी ई एन सेवन एट्टी नाइन, सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन, इसमें क्या हो जाएगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन, तो टेन मिलियन टू हंड्रेड फोर्टी फाइव टू हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन, है ना। अगला एट नंबर में क्या बोला है, राइट सक्सेसर मतलब वन मोर ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ वन मोर करना है, मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। वन करेंगे तो नाइन वन टेन का जीरो कैरी वन, फाइव वन सिक्स, नाइन का नाइन सिक्स, थ्री फोर एट, इतना हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला है बी नंबर में, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, नाइन वन टेन का जीरो कैरी वन, 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 फिर नाइन वन टेन का जीरो, नाइन वन टेन डेरी सब टेन का जीरो कैरी वन, नाइन वन टेन इधर बैठाता हूँ, इधर आटेगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाएगा, यहाँ लगेगा कोमा, नेशनल वाला है तो वो यहाँ लगेगा कोमा, उसके बाद यहाँ लगेगा कोमा, है ना। जीरो सब गिन के बढ़ा दीजिएगा सी नंबर में, फिर यहाँ नाइन वन टेन का जीरो, नाइन वन टेन का जीरो, नाइन वन टेन का जीरो, फिर नाइन वन टेन का जीरो कैरी वन, यहीं बढ़ जाएगा सिक्स, ऐसा होगा, यहाँ पे कॉमा था, यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन फिफ्टी सिक्स लैख टेन थाउजेंड। उसके बाद प्रीडेसेसर मतलब वन सब्ट्रैक करना है, इसी का जस्ट उल्टा करना है, तो नाइन नंबर में प्रीडेसेसर मतलब वन लेस करना है, तो वन सब्ट्रैक करेंगे यहाँ, तो मैं एक तो फिर बना के दिखा देता हूँ, फोर थ्री जीरो जीरो जीरो, वन माइनस कर रहे हैं तो ये तो घटेगा नहीं, तो इससे कैरी लेंगे तो ये बनेगा टू, ये बनेगा टेन, इसको देगा तो ये बनेगा नाइन, ये बनेगा टेन, इसको देगा तो ये बनेगा टेन, टेन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइन, यहाँ नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ टू में नहीं घटेगा तो इसे कैरी लेंगे ट्वेल्व, ये हो जाएगा थ्री, ट्वेल्व में थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा, सॉरी यहाँ तो सॉरी टू था तो टू लिखेंगे, ऐसा नहीं, फिर नाइन में वन, टेन में वन नाइन, यह भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ टू होगा, सॉरी टू का टू, उसका फोर का फोर, सिक्स का सिक्स, फाइव का फाइव, कोमा था यहाँ और यहाँ होगा, तो फाइव लैख फाइव लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन है। फिर से एक बार बनाता हूँ उसको बढ़िया से, फाइव सिक्स फोर थ्री
जीरो जीरो जीरो, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे कैरी लेंगे तो ये बनेगा टेन, ये बनेगा नाइन, ये बनेगा नाइन, ये बनेगा टू। तो यहाँ हो जाएगा नाइन, टेन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ टू, यहाँ फोर, यहाँ फाइव सिक्स, इतना होगा। ये मिस था दोस्तों, यहाँ 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 एक नाइन छूट गया, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉमा 56,42,999। इसमें भी बना देता हूँ, ये भी डायरेक्ट घटा देते हैं। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, नाइन डिजिट है तो ये हो जाएगा एट डिजिट का। आप बना के चेक कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एट डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि नाइन डिजिट में वन घटाते हैं तो एट डिजिट का बन जाएगा लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है नाइन डिजिट इसमें। लेकिन दूसरा होगा यहाँ पे घटाएंगे तो फिर मैं यहाँ सीधा करके, तो वन घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, और ये वन तो घटा दिए थे, जीरो फोर फोर ऐसा हो जाएगा। यहाँ कोमा लगेगा यहाँ और यहाँ। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू फाइव, दो ठो फाइव है इसमें, एक ठो यहाँ है एक ठो यहाँ है। तो पहले लिखता हूँ क्वेश्चन को, नहीं तो दिक्कत होगा। तो पहले 3 5 4 6 5 2 9 8 3 सही बता रहे हैं। इस फाइव का जो प्लेस वैल्यू होगा फाइव, उसके बाद चार संख्या है तो चार को जीरो घटा दिए। इस फाइव का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो फाइव के साथ 1 2 3 4 5 6 7 सेवन जीरो होगा, तो जीरो 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 फाइव सेवन हो गया, 1 2 3 4 5 6 देखिए फाइव है, दो दो तीन, तो यहाँ दो दो एक और बटेगा, इतना हो गया। इसका हम लोग क्या करना, ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा सम मतलब ऐड करना है, तो जीरो 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 फाइव प्लस जीरो तो फाइव, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो फाइव, तो इसका आंसर हो गया यहाँ फाइव, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore 5 crore 50,000 डायरेक्ट। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू। कमेंट जरूर करना दोस्तों और शेयर जरूर करना, थैंक यू।